गुड मॉर्निंग, इट्स 4 जुलाई सैटरडे और अभी बज रहे 1:30। अभी कुछ देर पहले उठा मैं और उठते उठते मुझे एक बहुत ख़तरनाक मिशन आई है। हमारी छोटी खुशी जो यहाँ पर बैठी है, इसने सुबह सुबह पॉटी की और चाची को मिशन दे दिया धोने के लिए। तो मैं अब ऊपर वाले देवता से पूछ रहा हूँ कि मैं इसकी पॉटी धोऊँ या नहीं, क्योंकि अभी लड़की बड़ी हो गई है, 3-3.5 साल की हो गई है, तो अब इसको धोना आना चाहिए। देव पप्पा, मैं ये लड़की की पॉटी धोऊँ क्या? देव पप्पा बोलते नको धो। अच्छा ठीक है, धुलता है इसकी पॉटी धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। हमारी ये बच्ची का पॉटी हो गया, इसने हमारा मॉर्निंग बना दिया। काश आप सभी का भी मॉर्निंग ऐसे ही बने, है ना खुशी? आपका पॉटी धुल गया, अभी आप बड़े हो गए हो, अभी आपको खुद को धोना आना चाहिए ना, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। फिर अभी आप स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, फिर कौन वहाँ पर आप बच्चे लोग का पॉटी धोएगा? तो भाई पिछले 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी कल से थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। कल ब्लड टेस्ट वगैरह किया, आज ब्लड रिपोर्ट भी लेने जाना है, अभी जाना है ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए। और ये भुखार के चक्कर में मेरा वर्क फ्रॉम होम कैंसिल हो गया, अब ये सिस्टम जो है मेरा यहाँ पर कॉर्नर में वो कलेक्ट करने के लिए आएंगे। दुख हो रहा मुझे कि वर्क फ्रॉम होम कैंसिल हो गया, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, जो मेरे TL थे नरेन भाई, लेकिन उनकी भी कुछ पॉलिसी थी कि अगर 3-4 दिन लगातार बंदा एबसेंट हो रहा है तो उसको वर्क फ्रॉम होम कैंसिल कर देंगे। अब मैं मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स को सबमिट कर सकता हूँ, देखता हूँ अगर पूरी तबीयत ठीक होने के बाद ही उनको बोलूँगा। और आज 4 तारीख है, तो मेरी आज की टिकट थी बिहार जाने की, मेरी टिकट कंफर्म हो गई थी, मेरे वाइफ और बच्चों को लेके आना था, लेकिन इस चक्कर में मैंने टिकट भी कैंसिल कर दी। पूरी कंफर्म हो गई थी, बस जाके ट्रेन में बैठना था। नो रिजर्वेशन, नथिंग कन्फर्म। फिलहाल तो ब्रश करते हैं, मुँह धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं और जाते हैं रिपोर्ट लेने के। और रिपोर्ट में क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। रबर से क्या कर रहे हो? हाँ खुशी, क्या कर रहे हो? खुशी काय करते तो? अभी जब ये बच्ची पॉटी कर रही थी, तभी हम लोगों को यानी मुझे वहाँ पर साफ दिखा था। ये जो पानी है यहाँ से तैरते पानी में से फिर रेंगते वहाँ गया अंदर। छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन साफ था खुशी, वहाँ पर साफ। अभी निकल गया हूँ मैं घर से ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए, ऑन माई वे टू हॉस्पिटल। और मौसम इतना मस्त हो गया ना यार, 2 दिन से बारिश हो रही है, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा। तो जा रहे धीरे धीरे, चलते इस पल को, इस मोमेंट को एंजॉय करते। रिपोर्ट हमें मिल गई हमारी, यहाँ ऊपर ही था हॉस्पिटल। अंदर का तो व्लॉग नहीं किया मैंने, और रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया नहीं कि मतलब तबीयत वगैरह ख़राब है, हेमोग्लोबिन वगैरह सारी चीज़ें एकदम फिट एंड फाइन है। सिर्फ मलेरिया का एकदम हल्की सी थिन लेयर दिखाई दी है, रिपोर्ट में ऐसा बता रहे हैं। बुखार से शाम को आ जाता है, दिन भर नहीं रहता। जैसे शाम होती है 6-9 बजते तो बुखार आना शुरू हो जाता है। दवा खाने ला, रिपोर्ट आना है। काही नाही, सगळं बरोबर आहे, नुसतं थोडासा मलेरिया निघालेला, थोडासा, एकदम थोडासा। जो बारिश चालू आहे ना बॉस, 2 दिन से एकदम मजा आ गया। बाहर बारिश और अंदर ये बच्चे लोग का पार्टी। खुशी तू पण नाच, नाच खुशी, नाच ना असं जोरच नाचते जशी दीदी फुल एनर्जीमध्ये नाचते हो तशी, येड्यासारखं नाच। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिल ले खटिया चद्दर तान के सो जाओ। बच्चों लोग का अरे टुल्लू राम, ये देखो टुल्लू राम का डांस, जोकरच आहे। इथं करून कर। गुड मॉर्निंग खुशी। अरे वा खुशी तर एकदम मस्त, टिक्का भी काय लावली दाखव। अरे वा आज तर खुशी एकदम मटून टटून आली, दाखव। ये छोटे और गोट्या दोनों ऊपर आ गए, छोटे तुम्हें वीडियो काढ़ा, आप वीडियो निकालो, चाचू सब उठा रहे हैं। हेलो।
हमारी सोल्जर अंजलि ने पिज्जा बनाया था माता, बेसन रोटी वाला पिज्जा। अभी फिर अभी हम बेसन लेंगे। ये देखो इनका पिज्जा, ये बेसन लिया और ये इसमें डाला और ये इसको लगाया और अभी हम थोड़ा घी लेंगे। घी आई नहीं देता आई ना भैया, बक ये बेसन है और ये दूसरा ठुल्लू सोल्जर इधर है। आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई करना बेसन और रोटी वाला पिज्जा। ये पिज्जा वाली पार्टी, ये नाचो पिज्जा वाली पार्टी नाचो, ये डिक्की चिक्की डिक्की चिक्की डिक्की चिक्की। बेसन वाला पिज्जा कौन कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अभी बज रहे शाम के 6, हम दोनों चाचू भतीजी निकले बाहर घूमने। आज 2.5 हफ्ते बाद मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग रियली गुड, बहुत ही एकदम आज बहुत दिनों बाद थोड़ा हेल्दी लग रहा है। लेकिन क्या करें, वर्क फ्रॉम होम तो हमारे हाथ से चले गया, बट ठीक है, इट इज़ ओके, गॉड्स विल। हमने बहुत ट्राई किया, अरे हमने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन वर्क फ्रॉम होम नहीं रहा। इस व्लॉग को यही समाप्त करते, चल खुशी बाबे करूँ, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। ये व्लॉग पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अभी डेली व्लॉग्स आएंगे, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, मैं डेली व्लॉग्स डालूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। खुशी बाय बाय बोल, बोले बाय बाय पिल्लू।